पंजाब में अशुबे चश्म के मरीजों में कमी, 24 घंटों के दौरान 236 केसेस रिपोर्ट। लाहौर समेत सूबे भर में 4 रोज से बंद स्कूल्स खुल गए। मुतासर बच्चों को चेकिंग के बाद वापस भेजा गया। सिर्फ 2 कतरे पिलाएं और बच्चे को जिंदगी भर की माजूरी से बचाएं। मुल्क भर में कौमी सदादे पोलियो मुहिम का दूसरा मरहला शुरू। 5 साल उम्र के 4,28,40,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए जाएंगे। फैजाबाद धरना केस, एमक्यूएम का नजरसानी दरख्वास्त वापस लेने का फैसला। राबता कमेटी ने तौसीक कर दी, आज सुप्रीम कोर्ट से बाकायदा इस्तदा की जाएगी। नवाज शरीफ को निकालकर अवाम का मुस्तकबिल छीनने वाले आज इबरत का निशान बन चुके हैं। 21 अक्टूबर को फर्दे वाहिद नहीं, अमन खुशहाली वापस आ रही है। नवाज शरीफ पहले से ज्यादा ताकतवर बनकर मुल्क को बहरानों से निकालेंगे। मरियम नवाज का लाहौर के इलाके शाहदरा में जलसे से खिताब। हम इलेक्शन नहीं दिल जीतने आए हैं, अब कराची के लोग गुलाम नहीं रहेंगे, जजिया भी नहीं देंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी का मलिक कराची में जलसे से खिताब। मुस्तफा कमाल का आइंदा इलेक्शन में कराची की तमाम 22 सीटें जीतने का दावा। निगरान वफाकी काबीना का इजलास आज तलब वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत होगा। अनवारुल हक काकड़ गैर मुल्की दौरे पर काबीना अरकान को एतमाद मिलेंगे। मुल्क की मौशी और सियासी सूरत हाल का जायजा भी लिया जाएगा। सार्फा केस में पीटीआई चेयरमैन की जमानत के लिए दरख्वास्त, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में आज समाअत होगी। FIA ने इन कैमरा कार्रवाई की इस्तदा कर दी। मुल्तान में FIA के भिखारी गैंग के खिलाफ कार्रवाई, रब नवाज नामी सब एजेंट गिरफ्तार। 2 अफराद को उमरा वीजा की आड़ में भीख मांगने पर उकसाने का इल्जाम। और पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री की सुपरस्टार मायरा खान अपने करीबी दोस्त सलीम करीम के साथ रिश्ता अज़वाज में मुंसलिक हो गई। दुल्हन ने खूबसूरत सफेद लहंगा और दुल्हा ने स्याह शेरवानी ज़ेब-ए-तन की।